कार्रवाई की है और कारकुनान को यहाँ पे इकट्ठा होने से रोक रहे हैं। दफा 144 नाफज। जारी होता है, हमारे कायद ने एनओसी जारी कर दिया है कि कल इसी मकाम पे एहतजाज होगा। तो पिंडी, क्योंकि हमारा लीडर पिंडी अडियाला में बंद है और हमने इतना एक मजमा दिखाना है कि उन्हें पता चले कि जी अडियाला में खान को जाकर उसकी गूंज आए कि आज पिंडी में तहरीक इंसाफ क्या, पाकिस्तानी कौम क्या, वो अपने लीडर के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। अडियाला तक उसकी गूंज जाएगी और पिंडी तो वैसे ही मैं क्या कहूँ, हर तरफ कल एक ही आवाज होगी और होगी वजीर आजम इमरान खान। बहुत से दोस्त पता कर रहे हैं कि रावलपिंडी में 28 सितंबर को जलसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए स्पेशल मैसेज है कि जलसे की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और कंटेनर्स बन रहे हैं, साउंड सिस्टम लग रहा है और ये तमाम के तमाम गाड़ियां निकलेंगी रावलपिंडी के लिए लियाकत बाग में इंशाल्लाह। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की क्यादत में जलसा होगा और जिस तरह उन्होंने तैयारी कर रखी है आप ये देख सकते हैं, तमाम के तमाम साउंड सिस्टम आना शुरू हो चुके हैं, गाड़ियों पे साउंड सिस्टम लग रहे हैं और अवामी वजीर आला अली बिन गंडापुर साहब के अहकाम थे कि आप गाड़ियां कंटेनर्स तैयार करें, तो मुकम्मल तमाम की तमाम गाड़ियां जो हैं वो तैयार हो रही हैं। रावलपिंडी में कल इंशाल्लाह जलसा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको पता है कि रावलपिंडी के मुजाहरे की चांद रात शुरू हो चुकी है और कंटेनर गर्दी, पुलिस गर्दी भी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे कप्तान इमरान खान साहब ने कहा था कि 28 सितंबर को आइन की बालादस्ती के लिए, अदलिया की आजादी के लिए बाहर निकलना है और हमने कौम ने कहा है कि कप्तान की रिहाई के लिए भी बाहर निकलना है, मुजाहरा करना है। जलसा मांगा था लियाकत बाग में, नहीं दिया, तो मुजाहरे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी निकलना शुरू हो चुका है। गुरबो जवाहर से सब लोग आना शुरू हो गए हैं और इन्होंने भी अपनी बदमाशी, अपनी पुलिस गर्दी शुरू कर दी है। लाहौर में नहीं रोक सके, इस्लामाबाद में, संगजानी में नहीं रोक सके, तो रावलपिंडी वालों को कैसे रोक सकते हैं। तो सब पहुंचे, भरपूर तरीके से पहुंचे, पूरी हिम्मत से पहुंचे। याद रहे कि कप्तान भी हमारा पिंडी में कैद है, तो वहां तो जबरदस्त किस्म का मुजाहरा होना चाहिए और कोई कमी पेशी रहनी चाहिए। सबने पहुंचना है, पिंडी पहुंचना है, भरपूर मुजाहरा करना है, एहतजाज करना है कि हमें आइन की बालादस्ती चाहिए, हमें अदलिया की आजादी चाहिए और हमें अपने कप्तान की रिहाई चाहिए। और अब ये रोजाना की बुनियादों पे काम शुरू हो चुका है,
इंशाल्लाह कल पिंडी के बाद परसों कराची भी है इंशाल्लाह, और उसके बाद हर रोज से पूरे सिंध में ऐसा ही कुछ होगा। डेली बेसिस पे इंशाल्लाह पूरे सिंध में हम निकलेंगे, बाहर निकलेंगे जब तक हमारा कप्तान बाहर नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। कल 28 सितंबर 2024 बरोज हफ्ता इंशाल्लाह ताला 2 बजे आपने पूरी तादाद में आना है लियाकत बाग की तरफ, हमारा मुजाहरा होगा, हमारा आईनी और कानूनी हक है वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि हमारा एनओसी जो है वो अडियाला जेल से जारी होता है, हमारे कायद ने एनओसी जारी कर दिया कि कल इसी मुकाम पे एहतजाज होगा, तो इंशाल्लाह कल पाकिस्तानी आवाम देखेगी, ये धरती गवाही देगी कि इमरान खान के चाहने वाले, इमरान खान के जियाले तमाम रुकावटें अबूर करके इंशाल्लाह लियाकत बाग में घुसेंगे। इस दफा कायद ने सिर्फ हमें एहतजाज के लिए कहा है, जब वो जलसे का हुक्म करेगा इंशाल्लाह तो दुनिया की कोई ताकत हमें लियाकत बाग में घुसने से नहीं रोक सकती, और हम यहाँ पे कल ये पैगाम देंगे अरबाब इख्तियार को कि पाकिस्तान की आवाम अगर किसी को रियासत समझती है तो वो इमरान खान है, इस रियासत का वज़ीर आज़म समझती है तो वो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान है। वो जब कहेगा तो हम एहतजाज भी करेंगे, जब कहेगा जलसे भी करेंगे, और जब वो कहेगा कि इनको इन तख्त से हटाना है तो इंशाल्लाह हम इनके ऐवानों में घुस के इनको उतारेंगे।